हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर प्रेग्नेंट महिला को अपनी दोगुनी केयर करनी होती है और सावधानी बरतनी होती है ताकि गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से हो सके और शिशु को कोई परेशानी ना हो। माँ के गर्भ में बच्चा गर्भाशय में एक द्रव में रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये द्रव बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। यह बच्चे को गर्भ में पूरी तरह सुरक्षित रखने के साथ साथ बेहतर विकास में मदद करता है। फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए ये प्रेग्नेंट महिला के लिए और शिशु के लिए दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान पहुंच सकती है। इस वीडियो के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को सही मात्रा बनाए रखने के लिए हमें गर्भावस्था के दौरान क्या करना चाहिए ताकि शिशु को कोई दिक्कत नहीं हो, वही बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड अगर सही मात्रा में है तो आपके शिशु का विकास सही तरीके से होगा और सही मूव करेगा, सही किक करेगा। अगर ये कम है तो शिशु सही नहीं रहेगा, शिशु तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा, शिशु की मूवमेंट सही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है इसके लिए? एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को सही रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। खान पान में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें एमनियोटिक फ्लूइड को सही मात्रा में रखना है। तो आप खुद सोचिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आप फल, सब्जियां, साग, दूध, अंडे, विटामिन्स, मेडिसिन का सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रेग्नेंट महिला को अपने शरीर में तरल पदार्थों की कमी नहीं होने देनी चाहिए। सही मात्रा में पानी पिए, रोज 8 से 10 ग्लास पानी पिए, फलों के जूस पिए, दूध पिए ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे, शरीर में पानी की कमी नहीं हो। दोस्तों, आप योगासन भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि गर्भावस्था के दौरान योगासन और प्राणायाम करने के लिए आपको देखरेख की जरूरत होगी। अगर आप योगासन प्राणायाम करती हैं तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सही रहेगी और आपको टेंशन कभी नहीं होगी। तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर आप योगासन प्राणायाम करें। दोस्तों, डॉक्टर से जांच, समय समय पर प्रेग्नेंट महिला को जांच करवाते रहना चाहिए ताकि आपकी शारीरिक स्थिति की सही जानकारी मिल सके, पता चल सके। कोई भी चीजें अगर आपके शरीर में है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकती है। जब भी वो बुलाती हैं, आप सही समय पर पहुंचें, सही मेडिसिन लें, मेडिसिन स्किप नहीं करें। वो हमेशा आपकी जांच कर बताएंगी कि आपका शिशु स्वस्थ है या नहीं। वो ये भी ध्यान रखेंगी कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सही है या नहीं। तो यह कुछ बातें हैं दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखती हैं तो घर में शिशु को कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी डिलीवरी अच्छी होगी बिना किसी दिक्कत के। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।